आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज की वीडियो में जो एमपी का जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 14th of Feb को, ओके, तो इसके क्वेश्चंस देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए। मैंने एक वीडियो बना के डाला था, है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस का। तो अभी इसमें जो है एक बार हम देख लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन ही किस टाइप के आए हुए हैं। फार्मेसी के इसमें 100 क्वेश्चंस हैं और बाकी 100 जनरल हैं। तो हम जो है फार्मेसी के क्वेश्चंस देख लेते हैं किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो आपके जो अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगा ये। और देखिए, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनको नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए, क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बफर कैपेसिटी इन द बफर सॉल्यूशन। ओके, बफर कैपेसिटी और जो बफर सॉल्यूशन के बारे में इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए, एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन इज देयर एबिलिटी टू मेंटेन ए रिलेटिवली कॉन्स्टेंट पीएच वैल्यू इन रिस्पॉन्स टू द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो बिल्कुल सही बात है, है ना, तो ये पीएच को कॉन्स्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है बफर कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ सोल्यूशन टू चेंज रैपिडली विद द एडिशन ऑफ एसिड और बेस। नेक्स्ट ऑप्शन है द टर्म बफर कैपेसिटी क्वान्टिफाइज द चेंज इन पीएच ऑफ ए सोल्यूशन कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। और जो ऑप्शन डी में दिया है, क्या दिया है, बफर कैपेसिटी रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन टू रेजिस्ट रैपिड चेंज इन पीएच बाय अब्सॉर्बिंग और रिमूविंग आयन सच एज एच पॉजिटिव एंड ओएच नेगेटिव। ठीक है, तो आपका आंसर जो है इसका, इसमें ये ऑप्शन जो है बी दिया हुआ है। ओके, क्योंकि आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन बी जो है बफर कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू चेंज रैपिडली विद एडिशन ऑफ एसिड और बेस, ये गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ पटेला बोन दैट इज प्रेजेंट इन नी। ठीक है, नी में जो है पटेला बोन जो प्रेजेंट होती है जिसको नी कैप भी बोलते हैं, है ना, तो उसकी क्या कैटेगरी है, फ्लैट बोन है, एक्सटेंडेड बोन है, न्यूमैटिक बोन है या सिस्मोइड बोन है। तो ये किस टाइप की बोन है, न्यूमैटिक नहीं, सॉरी, सिस्मोइड बोन में आता है। पटेला बोन क्या है, नी कैप जिसको बोलते हैं, इज अ टाइप ऑफ सिस्मोइड बोन। ओके, नेक्स्ट है यंग मॉडुलस इज अ टाइप ऑफ बिंगम मॉडुलस, प्लास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस या सुडो मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस इज अ टाइप ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द हर्बल ड्रग प्रोडक्शन। ओके, तो जो हर्बल ड्रग प्रोडक्शन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है उसका जो करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ओके, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है ये, देखिए, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, जो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इंटू अपर एंड लोअर पार्ट इज कोल्ड एज। ठीक है, तो अपर और लोअर पार्ट में जो बॉडी को डिवाइड करता है वो आपका, देखिए, ऑप्शन चार है आपके पास, तो इसमें से ट्रांसवर्स प्लेन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट डोनन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम। तो डोनन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लेना और उसके बारे में देखना कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही नहीं है, गलत है। तो अभी देख लीजिए आप इसको, आपको क्या क्या ऑप्शंस मिले हुए हैं। द साइड ऑन विच नॉन डिफ्यूजिबल आयन इज प्रेजेंट एक्यूमुलेट्स अपोजिटली चार्ज डिफ्यूजिबल आयन। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शन में ऑन द अदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन डिफ्यूजिबल आयन विल कोज एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल आयन सच एज आर नेगेटिव। इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन जो है डी, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन द साइट ऑफ फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट की साइट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लीवर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच बेंजीन मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है। तो कौन सी प्रोसेस होती है, तो बेंजीन जो होता है स्टेबलाइज होता है, ये प्रोसेस होती है आपकी रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड इन सैपोनिफिकेशन वैल्यू में, क्या डिटरमाइन करते हैं, तो ये करते हैं के ओ एच पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग। ड्रग की सोल्यूबिलिटी को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट करेंगे, आंसर हो जाएगा यूजेस ऑफ ड्रग जो है ये सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, आंसर इज यूजेस ऑफ ड्रग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर एन ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आपको मीडियन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. ओके तो इसमें ऑब्जेक्शन किया हुआ है, तो इसका जो इसमें आंसर ये दिया हुआ है एन प्लस वन डिवाइड बाई टू और पूरे का होल स्क्वायर. ओके इसका आंसर ये दिया, बाकी इसके लिए ऑब्जेक्शन किया हुआ है, देखते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज डिटरमाइंड बाय इक्विलिब्रियम डायलिसिस मेथड. ठीक है तो इक्विलिब्रियम डायलिसिस मेथड से क्या डिटरमाइन करते हैं, तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, देखो ऑप्शंस में ड्रग सॉल्युबिलिटी है, प्रोटीन बाइंडिंग डिसोसिएशन को स्ट्रेंथ या ड्रग रिएक्टिवनेस. तो आंसर में दिया हुआ आपका प्रोटीन बाइंडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपने फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है. देखिए जीटा पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन है. जीटा पोटेंशियल डिटर्मिनेशन इज अ सिग्निफिकेंट करेक्टराइजेशन टेक्निक ऑफ नैनो क्रिस्टल्स एम्प्लॉयड फॉर अंडरस्टैंडिंग द डैश स्टेबिलिटी ऑफ नैनो सस्पेंशन. तो ये हो जाएगा फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ नैनो सस्पेंशन. नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम मेटा बाइसल्फाइट इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन. तो सोडियम मेटा बाइसल्फाइट का जो पेरेंटल फॉर्मुलेशन में रोल क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल है, ये एज एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है. ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी मोटिलिटी ड्रग. कौन सा नहीं है, तो देखिए एंटी मोटिलिटी ड्रग इसमें से ऑप्शन में आपको लोपिरामाइड दिया है, इसब गोल, कोडीन और डाइफिनॉक्सिलेट. तो कौन सा नहीं है, इसब गोल नहीं है, आंसर हो जाएगा इसब गोल. बाकी लोपिरामाइड, कोडीन, डाइफिनॉक्सिलेट जो है ये एंटी मोटिलिटी ड्रग में आते हैं. नेक्स्ट है पीसी फॉर्म बोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट. तो पीसी फॉर्म बोन होती है कौन से जॉइंट में मिलती है, तो ये आपका हो जाएगा रिस्ट जॉइंट, ऑप्शन वन हो जाएगा रिस्ट जॉइंट. ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज डिजॉक्सिंग की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज नहीं करता. रीनल इम्पेयरमेंट, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपर कैलीमिया. तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, हाइपर कैलीमिया जो है डिजॉक्सिंग की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज नहीं करता. अगर हाइपर कैलीमिया होता ना तो वो करता है. ओके नेक्स्ट विच ड्रग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल्ड एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे, कौन सी ड्रग, हाइड्रोक्सी यूरिया. नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रिएक्शन एच टू प्लस सी एल टू टू एच सी एल. देखिए एच टू प्लस सी एल टू से बन रहा है टू एच सी एल, तो बताना है किस टाइप की रिएक्शन है. तो इसमें आंसर दिया हुआ है कौन सी है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको इसका आंसर दिया हुआ है. नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू एंगल स्ट्रेन. तो एंगल स्ट्रेन से कौन सा रिलेटेड नहीं है, ठीक है तो ऑप्शंस देख लीजिए, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेविएशन इन बॉन्ड एंगल्स, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेविएशन इन कार्बन कार्बन एंगल. तो आपका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन वन, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अराइल डाइजोनियम सोल्ट्स. अराइल डाइजोनियम सोल्ट्स के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है. देखिए दे आर आयनिक इन नेचर, दे हैव हाई रिडॉक्स पोटेंशियल, एराइल डायजोनियम सोल्ट्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या दे आर वाटर सोल्यूबल. तो इनकरेक्ट का इसमें दिया हुआ है ऑप्शन बी, दे हैव हाई रिडॉक्स पोटेंशियल दिया हुआ है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पार्टीशन कोफिशियंट टू रिप्रेजेंट द लिपोफिलिसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड कंपाउंड. ओके तो ये फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है पार्टीशन कोफिशियंट. ओके तो देख लीजिए इसके ऑप्शंस आपको हैं, तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन जो है सी दिया हुआ है, लॉग पी इज इक्वल टू ए ऑर्गेनिक फिर ए डिवाइड बाई एक्वस. तो ये आप देख लेना किस हिसाब से है, ऑप्शन इसका सी दिया हुआ है. ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मस्करनिक इफेक्ट. इसके लिए ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है, तो बताना है कौन सा मस्करनिक इफेक्ट नहीं है. तो आपको ये जो कोलिनर्जिक एंटीकोलिनर्जिक सारे के सारे इफेक्ट तो पता होने चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं. तो देखिए डिक्रीज हार्ट रेट तो ब्रैडीकार्डिया तो होता है, बिल्कुल सही बात है. तो आपको नोट बताना है ड्राइनेस ऑफ माउथ नहीं होता या इनहिबिटिंग सिक्रेशन इंटेस्टिनल क्रैम्प से, चार ऑप्शन है. तो देखिए सिक्रेशंस भी इंक्रीज ही होते हैं कोलिनर्जिक में तो, है ना. तो ये दोनों के दोनों सेम सेम से ऑप्शन है, शायद इसीलिए इसमें ऑब्जेक्शन फाइल किया. वो देखते हैं क्या बनता है. नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट टू आंसर द क्वेश्चन. स्टेटमेंट रीड करने हैं फिर आंसर देना है. स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट क्या है, पैक्लिटैक्सल और डोसीटैक्सल जो आप पढ़ते हैं टैक्सोल डेरिवेटिव के ऊपर क्वेश्चन, एंटी कैंसर ड्रग से. पैक्लिटैक्सल इज एम फेज सेलेक्टिव एंटी कैंसर ड्रग. रीजन दिया हुआ है इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल इन एम फेज ऑफ सेल साइकिल.
ओके अब इसका आंसर क्या दिया हुआ इन्होंने, ऑप्शन जो है वन क्या असर्शन तो ट्रू है, मतलब कि ये फर्स्ट वाला तो ट्रू है, बट जो रीजन है दिस इज फॉल्स। ओके तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिसाइड द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, की फ्लो प्रॉपर्टी को डिसाइड नहीं करता, एंगल ऑफ रिपोज करेगा, होजनर रेशो भी करता है, कार इंडेक्स भी करता है, जो नहीं करता वो आपका सोल्युबिलिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, डिसोसिएशन प्रॉपर्टी, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, पीएच, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। आंसर इज ऑप्शन ए, डिसोसिएशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, विच एल्गोरिथम इज यूज फॉर द एंटी एरोमेटिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। हकल्स रूल जो पढ़ते हैं ना एरोमेटिसिटी के लिए, तो उसके ऊपर है कि एंटी एरोमेटिक सिस्टम के लिए कौन सा एल्गोरिथम है। ओके तो हकल्स रूल अच्छे से पढ़ना है आपने। अब इस पर ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है ना, तो देख लीजिए इसके ऑप्शंस में तो n इज इक्वल टू 4n दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 4n प्लस 2, n इज इक्वल टू 4n प्लस 1। ठीक है तो इसमें ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है। नेक्स्ट है, विच इज द फॉलोइंग इक्वेशन गिब्स फेज रूल का इक्वेशन पूछा है इसमें, इस पर भी ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, पी माइनस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू, ये आंसर दिया हुआ है बट इसका ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है। ओके नेक्स्ट है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज द फर्स्ट वन टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान जो फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होती है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज आई जी एम, है ना, ऑप्शन वन हो जाएगा आई जी एम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। ये असर्शन दिया हुआ है, मेट्रोनिडाजोल शुड बी अवॉइडेड इन क्रोनिक डिजीज, इसका रीजन है इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस इन पेशेंट्स विद लीवर डिजीज। तो लैक्टिक एसिडोसिस का तो मेट्रोनिडाजोल से लेना देना नहीं है। वैसे देखिए इसके जो क्या दिया हुआ है, लैक्टिक एसिडोसिस करा देती है लीवर डिजीज के पेशेंट्स में। अच्छा तो इसके दिया हुआ है कि बोथ ऐसा जो है, इसका जो आंसर दिया हुआ इन्होंने ये दिया हुआ है, देखिए असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है तो आपका असर्शन तो सही है कि ये अवॉइड करनी चाहिए क्रॉनिक डिजीज के में, लेकिन जो है ये लैक्टिक एसिडोसिस कराती है ऐसा नहीं होता। ओके नेक्स्ट है, पुट द फॉलोइंग स्टेप ऑफ वेट ग्रैनुलेशन मेथड ऑफ ड्रग प्रेपरेशन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, जो आपका वेट ग्रैनुलेशन है ना, जैसे ड्राई ग्रैनुलेशन होता है, वेट ग्रैनुलेशन होता है ना, तो उसमें करेक्ट सीक्वेंस आपने बताने हैं। आपको 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो आपको इनको ना करेक्ट, जैसे इस टाइप से ऑप्शन है, इसको अरेंज करना है। तो चलो देखिए पहले क्या है, वेइंग एंड ब्लेंडिंग, तो सबसे पहले वे ही करती है, बिल्कुल सही है। प्रेपरेशन ऑफ वेट ग्रैनुल्स विद बाइंडर, स्क्रीनिंग द डैम्प मास इनटू पैलेट्स, ड्राइंग इन थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड ओवन, ड्राई स्क्रीनिंग विद इंग्रेडिएंट्स एंड लुब्रिकेंट्स, फिलिंग इन डाई कैविटी एंड कंप्रेशन। तो ये 1 2 3 4 5 सीक्वेंस वाइज ही दिए हुए, तो आपका आंसर हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 6। ओके नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्ट्रिप्टोकाइनेज थेरेपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ब्लीडिंग। ओके ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, व्हाट आर द रीजन दैट ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड ऑफ टैबलेट प्रेपरेशन इज बिकमिंग मोर पॉपुलर देन अदर मेथड। ओके जो ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्यों है दूसरे मेथड से, क्या रीजंस हैं। अभी देखिए ऑप्शंस इसके, नो रिएक्शन ड्यू टू हीट और मॉइस्चर, ठीक है, लो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हैंडलिंग, एबिलिटी टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टैबलेट इन कंपोजिशन। ठीक है तो आपके आंसर में तो 1 2 एंड 3 दिए हुए हैं, बट इसके लिए ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है। नेक्स्ट है, इसके लिए भी ऑब्जेक्शन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट अलो अंडर इट्स पार रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स। ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें से क्या अलो नहीं कर सकती, देखिए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, कल्टिवेशन ऑफ ओपियम पोपी, मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल ओपियम या कल्टिवेशन ऑफ कोकोआ टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। आंसर दिया हुआ है मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम, मेडिसिनल ओपियम, बाकी ऑब्जेक्शन है इसके लिए। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल ग्रुप्स आर इनर्वेटेड बाय द सीएटिक नर्व। ठीक है तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका थाई मसल्स।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी वाई पी आइसोफॉर्म बायोट्रांसफॉर्म मोस्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो मोस्टली ड्रग को कौन सा जो सी वाई पी है जो बायोट्रांसफॉर्म करता है, तो सी वाई पी 3A4 है ना, 50% ड्रग का बायोट्रांसफॉर्मेशन करता है ना ये, तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाई पी 3A4/5। नेक्स्ट है वट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द रिनॉल्ड्स नंबर, है ना, रिनॉल्ड्स नंबर आप लोग पढ़ते हैं तो इसका क्या है एक्सप्रेशन बताना है। देखिए इसमें ये आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस, तो आप लोग देख लीजिए इसको। ओके, तो इसमें इसका जो आंसर दिया हुआ है रिनॉल्ड नंबर को, रिनॉल्ड नंबर का, तो ये ऑप्शन डी दिया हुआ है इन्होंने। ओके, देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा तो आर ई इज़ इक्वल टू ये दिया हुआ है बाय ये म्यू दिया हुआ है। ओके, म्यू नीचे म्यू है, ठीक है, तो आप देख लेना रिनॉल्ड्स नंबर का कैसे क्या है। ओके, नेक्स्ट है बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, कैल्सीफेरॉल, थायमिन, तो इसके लिए ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स लेवल डायरेक्टली अफेक्ट अल्जाइमर डिजीज एंड पार्किंसंस डिजीज, ग्लूटामेट, एसिटाइलकोलाइन, गामा एमिनोबुटायरिक एसिड, डोपामिन, तो इसके लिए भी ऑब्जेक्शन है, बाकी आंसर ग्लूटामेट दिया इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोच पोस्टुलेट, कोच पोस्टुलेट कौन सा नहीं है। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन डिजीज्ड बट नॉट हेल्दी इंडिविजुअल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी कल्चर्ड फ्रॉम द डिजीज्ड इंडिविजुअल, इनोकुलेशन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल विद द कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट रिकैपिटुलेट द डिजीज, लास्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट नॉट बी री आइसोलेटेड फ्रॉम द इनोकुलेटेड डिजीज्ड इंडिविजुअल एंड मैच टू द ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यही इसका ऑप्शन डी राइट आंसर दिया हुआ। ओके, कि ये जो है ये नहीं आता कोच के पोस्टुलेट्स में। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन विद ब्लड प्लाज्मा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डेक्सट्रोज इज 180 एंड इट इज नॉन आयोनाइजिंग, है ना, तो डेक्सट्रोज का हम लोग पढ़ते हैं 5% होता है ना, तो इसके इसका आंसर दिया हुआ है इसमें ऑप्शन बी 5.4 ग्राम। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी एंड इट्स स्कोप, ठीक है, तो इसके लिए भी ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ, मैं आपको ऑप्शन से पढ़ा देती हूँ। फार्माकोलॉजी का क्या दिया हुआ, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम। फार्माकोमेट्रिक्स का दिया हुआ, इट इज डिफाइंड एज द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेम्पोरल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग और देयर मेटाबोलाइट विद इन द बॉडी। फार्माकोग्नोसी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोर्सेज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। बाकी फार्माकोडायनेमिक, इट रेफर टू द स्टडी ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द एक्शन ऑफ ड्रग इन एब्सेंस ऑफ डिजीज। ओके, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ डिजीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर नॉट यूज्ड फॉर, तो इसका जो है इसमें भी ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है, आंसर वायरल फीवर दिया हुआ है। नेक्स्ट है हाउ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन एन इंट्राप्लूरल वे ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इंट्राप्लूरल वे में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, देखिए थ्रो ओरल रूट, चेस्ट, ऑइंटमेंट, माउथ कैविटी, तो आंसर है थ्रो चेस्ट। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर लैंग्वेज HTML इज, तो इसका आंसर है डज नॉट प्रिजर्व वाइल्ड टैक्स। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन के लिए स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट क्या दी हुई है, इन द हिंसबर्ग टेस्ट अमीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक द इलेक्ट्रोफाइल। ओके, दिस लीड्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लोराइड एंड द जनरेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स, आंसर जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है विच मैथड इज अप्रोप्रिएट फॉर एनालाइजिंग डाटा वेन देर आर टू और मोर मेजरमेंट ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन एंड द वेरिएबल्स आर टू बी एनालाइज साइमल्टेनियसली, आंसर क्या दिया हुआ है इसका, ऑप्शन वन दिया हुआ है मल्टी वेरिएट एनालिसिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेज टू मेटाबोलिक रिएक्शन, सिंपल क्वेश्चन है, फेज टू में आपका आ जाएगा एसिटाइलेशन। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कोलोइडल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल इज, तो ये है लायोफोबिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिक्सिंग ऑफ ड्रग एट वेरियस स्टेजेस, ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है आपको। एक दो तीन पॉइंट दिए हुए हैं, पॉजिटिव मिक्सिंग में दिया हुआ है दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर देन टू गैसेस और मिसिबल लिक्विड आर मिक्स टुगेदर बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। नेगेटिव मिक्सिंग में क्या दिया, मैंने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे ऑइंटमेंट, पेस्ट, मिक्सड पाउडर्स आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल मिक्सर्स,
और न्यूट्रल में क्या दिया हुआ है, दिस टाइप ऑफ मिक्सर्स आर फॉर्म्ड व्हेन इनसॉल्युबल सॉलिड्स आर मिक्स्ड विद ए व्हीकल टू फॉर्म ए सस्पेंशन और व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड आर मिक्स टू फॉर्म एन इमल्शन। ओके, अब देखिए इसका आंसर क्या है, इसमें आंसर में दिया हुआ है टू एंड थ्री बोथ। टू एंड थ्री जो है वो क्या है, नोट करेक्ट बताना था ना, तो इसका ये जो है टू और थ्री दोनों ही करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन की क्लास जो डिफरेंट है ना एक दूसरे से, तो किसके बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको, बाय देयर चेन लाइट चेन, बाय देयर हैवी चेन, मोलिकुलर वेट, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो इसमें भी ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है, आंसर इन्होंने बाय देयर हैवी चेन दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है, तो कौन सा ट्रू नहीं है, तो आंसर है प्रेजेंस ऑफ कोरिनोबैक्टीरियम इंडिकेट कॉन्टामिनेशन। ओके, ये आंसर दिया हुआ है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूटिलाइज एज को एंजाइम इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन है उसमें एज अ को एंजाइम कौन है, तो देखिए आंसर दिया हुआ है इसमें एफ ए डी एंड एन ए डी प्लस। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर नोट एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें दिया हुआ है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन आंसर दिया हुआ है, बाकी ऑप्शंस में डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट है, ड्रग डिजाइनिंग है, अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स है। नेक्स्ट है मोनोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू विच काइंड ऑफ फैगोसाइटिक सेल, मोनोसाइट्स जो होते हैं डिफरेंशिएट होती है कौन से टाइप की फैगोसाइटिक सेल में, तो ये मैक्रोफेजिस में होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैक्रोफेजिस। नेक्स्ट है विच इज डिवाइस फॉर इंट्रोड्यूसिंग एयर इनटू द लिक्विड इन ए फर्मेंटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्पारगर, SPARGER। नेक्स्ट है डीएनए वैक्सीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो डीएनए की वैक्सीन किसे प्रिपेयर नहीं करते, आंसर दिया हुआ है कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड्स। ओके, नेक्स्ट है एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, तो एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं कैसे, तो बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कोडोन AUG, तो AUG जो है कोडोन उसके बारे में पूछा है, तो ये क्या होता है चेन इनिशिएशन कोडोन होता है, चेन को इनिशिएट करने के लिए जो कोडोन होता है उसमें AUG आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जीन ऑफ द ई कोलाई लैक ओपरोन कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन के लिए कोड करता है, तो ये कौन सा होता है आई जीन। नेक्स्ट है माइक्रोबियल इकोसिस्टम ऑफ सॉयल इंक्लूड, तो इसमें जो है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ सॉयल आ जाएगा। नेक्स्ट है विच रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ लिम्फोसाइट अराउंड द स्प्लेनिक आर्टरी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए दिया हुआ है PALS पाल्स। नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसिस ए सब ग्रुप ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया इज, तो ये जो है होते हैं कैसे, ऑप्शन जो है सी ग्राम पॉजिटिव। टिकोइक एसिड इज, तो टिकोइक एसिड के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पाया जाता है, वॉल्स ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल्स में पाया जाता है टिकोइक एसिड। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में डिफरेंस, और जो इसके स्टेनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। ब्लीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप ऑफ केमिकल यूज फॉर डिसइन्फेक्शन, तो किस में आता है ब्लीच, हैलोजन्स में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डिजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड डिनोट, ठीक है, जेनेटिक कोड्स की डिजनरेसी का मतलब होता है क्या होता है, मल्टीपल कोडोन फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट यूज इन सेंट्रीफ्यूगेशन में, कौन सा फोर्स यूज नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है इन फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिमूविंग ऑल लाइट एक्सेप्ट द ब्लू लाइट, ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शंस में डाइक्रोइक मिरर, मर्करी आर्क लैम्प, बैरियर फिल्टर दिया हुआ है, एक्साइटर फिल्टर, आंसर आपका है ऑप्शन डी एक्साइटर फिल्टर। नेक्स्ट है इन एडिसन डिजीज एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड अगेंस्ट सेल्फ, तो एडिसन डिजीज में जो एंटीबॉडी बनती है वो एड्रिनल सेल्स के अगेंस्ट बनती हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विटामिन लिपोइक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जो लिपोइक एसिड है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसफर ऑफ असाइल ग्रुप। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ लैक ओपरोन विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन टू अकर इज, तो ये आंसर है आपका ऑपरेटर। नेक्स्ट है कोलीफॉर्म काउंट इज डन बाय, ये आंसर हो जाएगा मल्टीपल ट्यूब मेथड,
नेक्स्ट है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट वाटर अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज आंसर इज ऑप्शन ए जाइमेज। नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाय, तो इसके लिए हो जाएगा आपका टी सेल्स, वाइल ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मेनली कैरिड आउट बाय बी सेल्स। नेक्स्ट है ऑप्शन सी हो गया इसका। ओके एन एंजाइम दैट कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एल्डोज शुगर टू अ कीटो शुगर, तो कौन सा एंजाइम है इसमें आइसोमरेज आइसोमराइजेशन रिएक्शन को कैटलाइज करेगा आइसोमरेज एंजाइम। नेक्स्ट है सिस्ट्रोन रेफर्स टू द, सिस्ट्रोन होता है रीजन ऑफ द डीएनए दैट कोड फॉर ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट है लोइस पास्चर इज नॉट रिलेटेड विद, तो किस रिलेटेड नहीं है लोइस पास्चर, वैक्सीनेशन ऑफ रेबीज, पास्चराइजेशन, जर्म थ्योरी, वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। आंसर इज ऑप्शन डी वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके आंसर इज ऑप्शन बी साइटोक्रोम BCAA3। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेनिंग रिएजेंट इन ग्राम स्टेनिंग, तो ग्राम स्टेनिंग जो आप लोग पढ़ते हैं तो करेक्ट जो रिएजेंट्स का ऑर्डर बताना है। सबसे पहले पता ही आपको क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ करते हैं, उसके बाद आयोडीन एज अ मोडरेंट यूज़ होता है, एल्कोहल यूज़ करते हैं, फिर सैफ्रन इन काउंटर स्टेन के रूप में यूज़ करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एच आई वी कैन बी डिटेक्टेड एंड कन्फर्म्ड बाय विच टेस्ट, इसके लिए है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम क्लेमाइडिया इन दैट, तो ये माइकोप्लाज्मा क्लेमाइडिया से कैसे डिफर करते हैं, लेक ऑफ ए ट्यूब बैक्टीरियल सेल वॉल। ओके नेक्स्ट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, के लिए रेस्पॉन्सिबल है सैक्रोमाइसिस स्पीसीज। ओके नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द ब्लड ग्लूकोज बर्नड एज फ्यूल इज कंज्यूम्ड बाय, तो कंज्यूम होता है ब्रेन के थ्रू। आंसर इज ऑप्शन बी। नॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ट्यूमर इज रेफर टू एज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इम्यून सर्वेलियंस। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम ए राइबोसोम इज कैटलाइज्ड बाय, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रिलीज फैक्टर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए की स्ट्रक्चर जो है क्लोवर के लीफ की जैसे होती है, तो ये होता है कौन सा tRNA। नेक्स्ट है एड्स डिजीज इज कॉज्ड बाय ए वायरस विच बिलोंग टू, तो ये रिट्रोवायरस ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फ्लोरिसेंट सुडोमोनाड, तो ये है ऑप्शन बी आर्थोबैक्टर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाटा बेस ऑफ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, तो ये प्राइमरी डाटा होता है। नेक्स्ट है कॉजेटिव ओरिजिनेट पूछा है सिफिलिस का, सबको पता है ट्रिपोनिमा पैलीडियम। नेक्स्ट है रेट एट विच लाइट एंटर थ्रो ऑब्जेक्ट इन फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस। कोडिंग रीजन ऑफ जीन्स आर इंटरप्टेड बाय डैश सीक्वेंस, तो ये इंट्रोन हो जाएगा। नेक्स्ट एंजाइम एक्टिविटी इन बायोलॉजिकल सिस्टम में भी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग, तो ये ऑल ऑफ द गिवन सारे के सारे अफेक्ट करेंगे, नेगेटिव मॉडिफायर, चेंज इन एंजाइम कंसंट्रेशन, चेंज इन pH। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए। मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर ऑफ माइक्रोब्सिस, तो मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर माइक्रोब का क्या होता है देख लीजिए। उसके ऑप्शंस मैक्सिमम टेम्परेचर एट विद ग्रोथ इज स्टेबल, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो, या ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एट लोवेस्ट टेम्परेचर। ओके नेक्स्ट रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन ऑल एक्सेप्ट, तो किसको छोड़ के सब पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इस पर डिपेंड नहीं करती, बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, वेवलेंथ, डायमीटर ऑफ अपर्चर पे जो है रिजोल्विंग पावर माइक्रोस्कोपी डिपेंड करेगी। ओके जैसे व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच डिसइनफेक्टिविटी ऑफ डिसइनफेक्टेंट की डिसइनफेक्टिविटी डिपेंड करती है, सारे के सारे फैक्टर्स पे, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, pH ऑफ द मीडियम एंड टेम्परेचर सुटेबल फॉर द केमिकल एंड टाइम ऑफ द एक्शन। ओके नेक्स्ट के लिए ऑब्जेक्शन किया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द कॉमन स्टरलाइजेशन प्रोड्यूसर्स, तो स्पोर्स, वायरस, सिस्ट या प्रायोन्स, आंसर प्रायोन्स दिया हुआ है। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द मीडियन ऑल द आइटम ऑफ ए सीरीज हैव टू बी अरेंज्ड इन ए, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग या असेंडिंग, इसके लिए भी ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है, आंसर दिया हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एंटीजन हैप्टन्स आर, ओके
तो हैप्टन्स क्या है, ये नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं। ओके, तो इसमें हमने देख लिए 100 क्वेश्चंस, देख लीजिए, आपने देख लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं एमपी के ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में, क्योंकि आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे। मैम एक बार पेपर दिखा दीजिए किस टाइप का पेपर आया है, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।